सर मुझे अगर कंपनी रजिस्टर करवानी है तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं सर। वो कौन कौन से होते हैं सर? गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सर, प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रिपेयरिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फाइलिंग मेमोरेंडम, उसके बाद एमओए और एओए बना के फिर वो जमा करवा देना रजिस्ट्रार के पास, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेना। उसके बाद सर पांचवा स्टेप जो होता है वो कुछ कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, कुछ कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता। सर कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है? सर एप्लीकेबल नहीं होता सर। कौन सी कंपनी चौथा स्टेप करके अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं? सर प्राइवेट कंपनी एंड गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल चौथा स्टेप पूरा करके अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती है, उनको पांचवा स्टेप करने की जरूरत नहीं है सर। बाकी जो कंपनीज हैं सर, बाकी कंपनीज कौन सी बची? गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों। सर ये जो कंपनीज होती हैं इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पांचवें स्टेप में बताए गए हैं वो पूरे करने होते हैं और वो जमा करवाने होती हैं, वो रिक्वायरमेंट इनको सबमिट करवानी होती है, उसके बाद ही वो उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा, उसके बाद ही वो कारोबार कर सकेंगे। वरना वो इनकॉर्पोरेट तो हो जाते हैं, कंपनी बन तो जाते हैं, रजिस्टर तो जो हो जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते। अभी सर ये वन बाय वन हम ये स्टेप को पूरा देखते चलेंगे डिटेल के अंदर। मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले नेम पे आते हैं, ये नेम जब भी मैं रखूंगा तो उसके अंदर आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है ना? सब साथ है ना मेरे? ठीक है सर, अगर मैं नेम रखूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि यार मेरा जो नेम हो ना उसके अंदर ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो कमीशन ने मना किया हुआ है। कमीशन एक नोटिफिकेशन देता है, कमीशन बोले तो सिक्योरिटी एक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर जो नेम दिए हैं उनमें से कोई नेम कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं वो मेरे नेम के अंदर नहीं होने चाहिए सर। ऐसा नाम मेरा ना हो जो इनअप्रोप्रिएट हो, जो अनडिजायरेबल हो, या जो धोखा देने वाला हो, डिसेप्टिव हो सर। ऐसा मेरा नेम नहीं होना चाहिए जो किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट्स, लोगों के रिलीजियस को सर डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, एक्सप्लॉयट कर रहा हो, ऑफेंड कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो दूसरों के रिलीजन को सर। मेरा नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि किसी ऑलरेडी जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसके साथ मिलता जुलता हो या उस जैसा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा नाम जो कि किसी ऑलरेडी कंपनी के साथ रजिस्टर हो तो उससे मैच हो रहा हो सर। जो भी आप नाम रखें, आखिरी जो फैसला करेगा सर वो कमीशन करेगा कि भाईजान आपका जो नाम है वो सही है कि नहीं सर। कुछ ऐसे नाम है अगर आप वो रखना चाहें तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कमीशन से, जिनमें मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मैं पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट का नाम रखना चाह रहा हूँ या उनसे मिलता जुलता तो मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, या कोई ऐसा ऐसी में ऑर्गेनाइजेशन सेट करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या ऐसे किसी इदारे से होगा जो कि गवर्नमेंट के अंडर चलता है, ठीक है ना? उसके बाद सर ऐसा कोई कारोबार जिसको फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के हिसाब से बनाया गया हो, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, या ऐसा कोई कारोबार सर जिसके अंदर जो जिसका कनेक्शन या जिसको बनाया गया हो फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या ऐसा कोई कारोबार सर जिसको चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़े, ठीक है? तो सर अब अगर नेम मेरा सिलेक्ट हो जाता है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे मसले हो गए जिसकी वजह से मैंने पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली लेकिन बाकी रिक्वायरमेंट जो है दूसरी और तीसरी अभी रहती है, तो दूसरी कौन सी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और चौथी रिक्वायरमेंट। बाकी रिक्वायरमेंट रहती है लेकिन पहली मैंने पूरी कर ली नेम वाली, लेकिन अब मसला ये है पहली पूरी करने से आप ना इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाते, आप रजिस्टर्ड नहीं हो जाते। तो सर अब मुझे डर है कि अब कुछ मसले ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से मुझे दूसरी और तीसरी पूरी करने में टाइम लगेगा, तो ऐसे ना कि जो मैंने पहली भी पूरी की है, जो मैंने नाम सिलेक्ट किया है वो कोई और ले जाए, ये भी मेरी मेहनत पानी में चली जाए और मेरा इतना प्यारा नाम मैंने सोचा है
तो क्यों ना इस नाम को ना मैं रिजर्व करवा लूं। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने नाम को रिजर्व करवा लूं कंपनी का? बिल्कुल सर, हो सकता है। सर आप कितने दिन तक अपना नाम रिजर्व करवा सकते हैं? सर 60 दिन तक, 60 दिन से ज्यादा नहीं रिजर्व करवा सकते। अब वो रजिस्टर की आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देते हो कि यार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार भाईजान मुझे ना मेरा नाम ये कंपनी का मैंने रखा है, ये मसला हो गया है, रीजन उसको बताओगे ठीक है, और उसको एप्लीकेशन दोगे, उसके अंदर रीजन बताओगे और बताओगे कितने दिन तुम्हें रिजर्व करवाना है, और सर फी जमा करवा दोगे। चालान की एक फी होती है ठीक है ना, कमीशन का एक अपना फॉर्म होता है, उसके अंदर तुम एप्लीकेशन जमा करवाओगे, उसके अंदर तुम उसको रीजन लिख के दोगे और फी जमा करवा दोगे ठीक है ना, और नंबर ऑफ डेज बताओगे कितने दिन। 60 दिन से ज्यादा नहीं बता सकते तुम सर, 50 बता सकते हो, 40 बता सकते हो, 30 बता सकते हो। अब ये तुम रिक्वेस्ट करते हो, अब रजिस्ट्रार की मर्जी है वो तुम्हें कितने दिन अलो करता है, वो तुम्हें 15 डेज अलो करता है, 20 करता है, या जितने तुमने कहे उतने ही दिन तुम्हें अलो करता है। अब ये भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार जो है ना वो तुम्हें रिफ्यूज कर दे। सर लेकिन रजिस्ट्रार को कितने दिन में जवाब देना होता है? सर जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हो उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को जवाब देना होता है, उसके 30 दिन के अंदर, जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हो उसके 30 दिन के अंदर आपको जवाब देता है ठीक है ना। नहीं, आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है सर, रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपको अगर कोई जवाब देगा, रजिस्टर आपको अगर जवाब देगा और वो आपको रिफ्यूज कर देता है, नहीं भाई नहीं मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, तो आपने क्या करना है सर, फिर वो 30 दिन के अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। किसको चैलेंज कर सकते हैं सर? सर कमीशन को, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे रजिस्ट्रार ने बोला नहीं भाई नहीं मैं तुम्हारा नाम रिजर्व नहीं करूंगा, रजिस्ट्रार ने बोला कब ये, सर रजिस्ट्रार ने बोला लेट सपोज 1 अप्रैल को, तो तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, 30 दिन का टाइम है चैलेंज करने का कि भाई रिस्टार ने गलत फैसला किया है। अब ये ना मैं कमीशन के पास बात लेके जाऊंगा, कमीशन के पास, सिक्योरिटी एक्शन कमीशन के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा सिक्योरिटी एक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कमीशन कमीशन तूने ये जो रिस्टार बिठाया हुआ है ना अपने बिहाफ पे, इसने ना नाजायजी की है मेरे साथ, इसने खामखा मेरी जो एप्लीकेशन है जायज उसने रिजेक्ट कर दी है, काइंडली इस बात पे फोकस कर लें। लेकिन ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो जा सकता हूं कमीशन के पास, चाहूं तो नहीं जाऊं ठीक है ना, तो सर ये मेरे ऊपर है। लेकिन अगर मैं जाना चाहूं तो कितने दिन के अंदर जाऊंगा? 30 दिन के अंदर। फिर जो कमीशन फैसला करेगी ना वो फाइनल होगा। लेट सपोज कमीशन ने हाँ बोल दिया तो ठीक है, पर अगर कमीशन ने भी रिजेक्ट कर दी तो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूँ? नहीं सर, आप कोर्ट बोर्ड नहीं जा सकते। उसके बाद सर हम आगे बढ़े थे कि हो सकता है कि मैंने मेरा नाम गलती से रजिस्टर हो गया। गलती से कैसे? मेरा नाम रजिस्टर करते वक्त गलती हो गई मुझसे। कैसे सर गलती हो गई? सर लेट सपोज आपने पहली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। पहली रिक्वायरमेंट कौन सी वाली? कि भाईजान आपने ना वो वर्ड यूज कर लिया जो कि कमीशन नोटिफाई किए हैं, आपने डिसेप्टिव, इनअप्रोप्रिएट एंड अनडिजायरेबल वर्ड यूज कर लिया, आपने ऐसा नाम रख दिया जो कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को ऑफेंड कर रहा है, या किसी ऑलरेडी कंपनी के साथ रजिस्टर है ऐसा आपने नाम रख दिया, या आपके ने नाम रखते वक्त अप्रूवल नहीं ली। तो सर अगर इस तरीके का सीन है तो आप क्या, अगर आपको खुद ही ये करना है तो मतलब आपने फॉल्टी नेम के साथ, फॉल्टी नेम मतलब गलत नेम के साथ आप रजिस्टर हो गए हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप रजिस्ट्रार को बताएं, रजिस्ट्रार भैया मैं ना गलत नाम से रजिस्टर हो गया हूँ, मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो आप उसको बता के रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेके आप अपना नाम चेंज करके और नया नेम उसको बता दें और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लें ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया ले लें। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि आपको पता ना चला हो, रजिस्ट्रार भैया को पहले पता चल गया हो कि आप ना फॉल्टी नेम से रजिस्टर है, गलत नाम से रजिस्टर है, आपके नाम के अंदर गलती है, तो रजिस्ट्रार भैया आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे, आपको कहेंगे कि यार आपका नाम जो है ना गलत है, और आपको चांस भी देंगे खुद से मिलने का फेस टू फेस, आपको जैसे बात हो सके कि भाई ये तूने नाम क्यों रखा। लेकिन जब नोटिफिकेशन दिया जाएगा ना तो उसके 30 दिन के अंदर कंपनी ने नाम को चेंज करके रजिस्ट्रार को बताना है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेना है। पर अगर हो सकता है कंपनी ने नहीं बताया, कंपनी ने नहीं चेंज किया, तो फिर क्या होगा सर, और 30 दिन गुजर गए ठीक है ना, नोटिफिकेशन के बाद 30 दिन गुजर गए, तो सर रजिस्ट्रार खुद ही नाम सेलेक्ट कर लेगा और सर
कंपनी को खुद ही नाम रख देगा और कंपनी को रजिस्टर करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेंड कर देगा, भाई ये ले लो। सर यहां तक क्लियर है बातें? अब बात ये, अब सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अगर सिलेक्ट हो जाता है, मेरा नाम अगर सिलेक्ट हो गया, फाइनल हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब चौथा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप हो गया, मैंने नाम सिलेक्ट कर लिया, मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बना लिया, मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बना लिया, मैंने सर दोनों जमा भी करवा दिए, मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। अब सर मुझे करना क्या है? अब ये करना है कि भाईजान जो आपने नाम सिलेक्ट कर लिया है ना, वो आपके कारोबार के या ऑफिस के बाहर नजर आना चाहिए, वो आपके कारोबार के ऑफिस के बाहर नजर आना चाहिए। सर कहाँ कहाँ नजर आना चाहिए? सर आ जाओ देख लेते हैं। पब्लिकेशन ऑफ नेम्स, द नेम एंड इनकॉर्पोरेशन नंबर ऑफ एवरी लिमिटेड कंपनी शैल बी डिस्प्लेड आउटसाइड एवरी कंपनीज ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन कॉन्स्पिशियस पोजिशन। सर जो आपने नाम सिलेक्ट किया सर, वो आपका नाम कंपनी के बाहर जो आपका कारोबार है, जो आपकी हेड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है, कंपनी की जो भी हेड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है, उसके बाहर नजर आना चाहिए। बड़े जैसे ना कॉन्स्पिशियस पोजीशन, मतलब इस तरीके से नजर आना चाहिए कि जो भी देखे उसको आराम से नजर आना चाहिए, बिल्कुल विजिबल नजर आना चाहिए, ठीक है ना। सर ये इनकॉर्पोरेशन नंबर क्या होता है? सर जब भी कंपनी कोई इनकॉर्पोरेट होती है तो सर जैसे ना आपका, आपके स्कूल के अंदर जब आपने एडमिशन ली होगी तो आपको भी एक जीआरई नंबर मिला होगा, या कोई आपको एक यूनिक नंबर मिला होगा। यूनिक सर वहां पे एक ये क्या चीज होती है सर? सर एक रजिस्टर्ड होता है, एक रजिस्टर होता है कंपनी के अंदर, रजिस्ट्रार के पास, जिसमें आप रजिस्टर हो रहे होते हो, ठीक है ना, रजिस्टर हो रहे होते हो, तो कौन से नंबर पे आपका नाम आ रहा है? तो सर ये होता है इनकॉर्पोरेशन नंबर, रेफरेंस नंबर जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सर वो नजर आना चाहिए, कंपनी का नाम और रेफरेंस नंबर। सर ये किसके लिए रिक्वायरमेंट है? सर लिमिटेड कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो सर अब बात ये है, सर कंपनी शेल डिस्प्ले, दूसरी बात सर, कंपनी शेल डिस्प्ले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। सर कंपनी की जितनी भी कारोबार करने की जगहें हैं, लेट सपोज कंपनी का अगर एक हेड ऑफिस है तो वही कारोबार करने की जगह है, कंपनी की अगर हेड ऑफिस के साथ साथ ब्रांचेस भी हैं, ठीक है ना, जैसे मेरी एक हेड ऑफिस है कराची के अंदर और ब्रांच है हैदराबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, सर सखर के अंदर, तो ये भी मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये भी मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब जैसे मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो मैं क्या करूंगा सर, उसकी सर्टिफाइड कॉपी, मतलब अगर मेरी सिर्फ कराची के अंदर ऑफिस है तो मैं क्या करूंगा, अपनी हेड ऑफिस के जो मेरा रूम होगा, जो एक सीएफओ का रूम होगा या सीईओ का रूम होगा, तो सर वो वहां पे मैं क्या करूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की ओरिजिनल कॉपी या फोटो कॉपी सर वो फ्रेम करवा के लगा दूंगा। और वो सर्टिफाइड का मतलब ये है, सर्टिफाइड का मतलब सर एसईसीपी की अप्रूव्ड, एसईसीपी की। सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को सर्टिफाइड कौन करेगा? सर एसईसीपी करेगा, क्योंकि सर सर्टिफाइड का मतलब है साइन करके इशू हुई अप्रूव्ड कॉपी। सर वो कौन करेगा? सर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको इशू करता है, तो वही आपको अप्रूव करके दे देगा। तो सर जैसे लोगों को पता चल सके कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो इसका क्या सबूत है? सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, यही सबूत है। तो जहां जहां आप कारोबार करोगे वहां आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने पास रखोगे और वो डिस्प्ले करोगे, ठीक है ना। सर वो क्या मैं कंपनी के गेट के बाहर डिस्प्ले करूंगा? नहीं बेटा, गेट के बाहर डिस्प्ले नहीं, सीएफओ के रूम में रख दोगे या सीईओ के रूम में या डायरेक्टर्स के रूम में, तो इस तरीके से, या ऑफिसेस के अंदर लगा दोगे, ठीक है ना। तो सर तीसरी चीज क्या है, द नेम ऑफ कंपनी शैल आल्सो बी इनग्रेव्ड इन इंग्लिश और उर्दू ऑन द सील ऑफ कंपनी। अब देखो, चूंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसकी जो सील होगी वो भी सेपरेट होगी। सील से सर क्या मुराद? सर ठप्पा, ठीक है ना, भाई एक ठप्पा हो उसके अंदर, या उर्दू में नाम लिखा हो या इंग्लिश में नाम लिखा हो। सर ये ठप्पा क्यों होता है? सर जो डॉक्यूमेंट कंपनी का डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर अगर कंपनी ने सील लगा दी, ठप्पा लगा दिया, तो सर वो कंपनी का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो कंपनी का जो नाम हो वो इंग्लिश में या उर्दू में,
इसमें लिखा हो सर एक सील के अंदर, एक ठप्पे के अंदर, स्टेम के अंदर, ठीक है ना? तो सर स्टेम के अंदर एक कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए, तो ये जरूरी है सर, ये रिक्वायरमेंट है, ये चारों चीजें आपने जरूर करनी है, ठीक है ना? तीसरी चीज क्या है सर, इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में लिख दें आपकी मर्जी। सर चौथी चीज क्या है सर, जो कंपनी का जो नाम है या उसकी एड्रेस है या टेलीफोन नंबर है या फैक्स नंबर है या ईमेल या वेबसाइट है सर, ये कंपनी का जो लेटर हेड है उसके अंदर नजर आना चाहिए। एक लेटर होता है या एक पेपर होता है सर, जिस पे अगर कंपनी कोई भी बात अपने तरफ से लिखना चाहती है या इशू करना चाहती है किसी दूसरे को। जैसे अगर मैं किसी कंपनी को ऑर्डर देना चाह रहा हूँ कि यार मुझे ना 10 गाड़ियां चाहिए, तो सर मैं ये ऑर्डर कैसे दूंगा? मैं लेटर भी दूंगा, ठीक है ना सर, मैं लेटर भी दूंगा या ईमेल करूंगा। लेट सपोज अगर मैं लेटर भी दे रहा हूँ तो सर लेटर हार्ड फॉर्म में दे रहा हूँ, पेज पे दे रहा हूँ, तो सर वो जो पेज होना चाहिए, वो जो लेटर होना चाहिए, वो जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके अंदर सबसे टॉप पे आपका नाम आना चाहिए, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होता है जिसके जिसका मतलब है सर, जिसका जो आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास लिखवाया हुआ होता है कि यार मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस ये है। सर क्या रजिस्टर्ड ऑफिस ब्रांच ऑफिस भी हो सकता है? बिल्कुल बेटा हो सकता है। हेड ऑफिस भी हो सकता है? बिल्कुल बेटा हो सकता है। सर फिर रजिस्टर ऑफिस का क्या मकसद? सर रजिस्टर ऑफिस वो ऑफिस होता है जिसके साथ आपकी रजिस्ट्रार के साथ कम्युनिकेशन चल रही होती है, जिसके साथ सर कम्युनिकेशन बोले तो सर अगर रजिस्ट्रार ने कोई नोटिस सेंड करना है आपको तो वो कौन सी ऑफिस पे करेगा? हेड ऑफिस पे करेगा, ब्रांच ऑफिस पे करेगा। सर जो जिस ऑफिस की आपने एड्रेस दी, जिस ऑफिस को आपने रजिस्टर करवाया, उस ऑफिस पे वो सेंड करेगा। लेकिन सर अब लेटर पे नाम आना चाहिए, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस आना चाहिए, टेलीफोन नंबर आना चाहिए, फैक्स नंबर आना चाहिए, ईमेल एंड कंपनी का ईमेल एंड वेबसाइट एड्रेस आना चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए सर। अगर ये सारी चीजें होंगी तभी सर जब भी मैं कह सकूंगा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है कंपनी का डॉक्यूमेंट है। सर ये चार चीजें आपने पूरी करनी है, जैसे ही आपका नेम सिलेक्ट हो जाता है तो सर आपने ये चार चीजें पूरी करनी है। सर आपके पास 2 मिनट हैं, इसको देख लें। अब सर बात यह है कि अगर मैं ये ऊपर वाली जो बातें हैं पब्लिकेशन ऑफ नेम, अगर सर मैं ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता जो कि कंपनी लॉ की है कि यार मैं नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर कंपनी के बाहर शो नहीं करता, ठीक है ध्यान से सुनना, मैं नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर कंपनी के बाहर शो नहीं करता, मैं सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन हर जगह पे नहीं दिखाता, मैं अपना नेम इनग्रेव्ड नहीं करता, मैं अपनी सील नहीं बनवा रहा, ठीक है ना इंग्लिश में या उर्दू में, सर मैं अपना लेटर हेड कंपनी का नहीं बनवा रहा, मैं उस पे अपना नेम कोई भी कागज है उसके अंदर मैं वैसे ही लिख के दे देता हूँ चीजें, लेकिन उसके अंदर मेरा सबसे टॉप पे नेम या एड्रेस और रजिस्टर ऑफिस टेलीफोन फैक्स नंबर ईमेल एड्रेस नहीं आ रहा, मैं ये इन चार चीजों की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ तो क्या होगा सर मुझे? सर फिर आप पे पेनल्टी लगेगी, ठीक है पेनल्टी लगेगी सर। सर कितनी पेनल्टी लगेगी वो बेटा वो तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वो आगे चल के बता दूंगा। पेनल्टी के भी लेवल होते हैं, लेवल 1 की पेनल्टी, लेवल 2 की पेनल्टी, लेवल 3 की पेनल्टी कंपनी लॉ के अंदर। ये लेवल से आपके कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन मैंने आपको वैसे ही बता दिया। ये लेवल 1 2 3 क्या होते हैं सर, ये इस तरीके से होते हैं, अगर छोटा गुनाह करोगे तो लेवल 1 की पेनल्टी, अगर उससे बड़ा गुनाह करोगे तो लेवल 2 की पेनल्टी, अगर उससे बड़ा गुनाह करोगे तो लेवल 3 की पेनल्टी। तो सर अब ये जो अगर मैं नाम पब्लिश नहीं करता, ठीक है ना, अगर मैं सर नाम पब्लिश नहीं करता तो ये पेनल्टी लगती है, लेकिन पेनल्टी लगती कब है वही चीज मैंने आपको बता दी। ऊपर वाली जो चार बातें लिखी है ना उनको उल्टा कर लो तो पेनल्टी वाला टॉपिक कवर हो जाता है। ऊपर वाली चार बातें कौन सी चार बातें सर, ये वाली चार बातें पब्लिकेशन ऑफ नेम वाली, ठीक है ना, कि भाई नेम एंड कॉपरेशन मैंने डिस्प्ले नहीं किया, मैंने सर्टिफाइड कॉपी डिस्प्ले नहीं की, मैंने इन नेम इनग्रेव नहीं किया सील पे,
मैंने डॉक्यूमेंट्स पे नेम एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस टेलीफोन फैक्स नंबर नहीं लगाया तो मुझ पे पेनल्टी लगेगी। यही चीज है। पेनल्टी कब लिवाई की जाएगी? पेनल्टी विल लिवाइड ऑन फॉलोइंग ऑफेंसेस। ऑफेंसेस मतलब गुनाह करना, खिलाफवर्जी करना, नॉन कंप्लायंस, आपने कंपनी लॉ को कंप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, नॉट डिस्प्लेइंग इट्स नेम इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। जैसे आपको कंपनीज एक्ट ने कहा आपने उस हिसाब से डिस्प्ले नहीं किया। नेम नॉट इनग्रेव्ड ऑन द सील, नेम इनग्रेव नहीं है सील के अंदर, ठीक है ना, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो। यूजिंग और ऑथोराइजिंग द यूज ऑफ एनी अदर सील डेट परपोज टू बी कंपनीज कॉमन सील, मतलब कोई और सील यूज कर लेना जिसको कंपनी का नाम दे देना, पर वो गलत हो जाएगा, कंपनी की एक सेपरेट सील होनी चाहिए। इशूइंग ऑथोराइजिंग एनी डॉक्यूमेंट विदाउट मेंशनिंग द नेम, डिफॉल्टर वुड आल्सो बी पर्सनली लायबल टू होल्डर ऑफ सच प्रॉमिसरी नोट, ठीक है ना। अब बात सर, इशूइंग एंड ऑथोराइजिंग एनी डॉक्यूमेंट विदाउट मेंशनिंग, अगर इधर तक भी लिख देना तो बात क्लियर हो जाती है। फिलहाल ये हमने कवर नहीं किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी डिफॉल्टर वाली। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर करवा लूंगा तो ये बात कवर हो जाएगी। सर मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इशू कर देना जिसके अंदर आपका नाम मेंशन ना हो, जैसे कि ये चौथी रिक्वायरमेंट की खिलाफ वर्जी हो। तो सर अगर ये चार आप रिक्वायरमेंट की खिलाफ वर्जी करेंगे तो सर आप पे क्या होगा? सर आप पे पेनल्टी लगेगी। सर बात समझ में आ रही है? सर अब हमारा नेम हो जाता है खत्म। सर बात ये, नेम की रिक्वायरमेंट अब खत्म हो जाती है। सर बात ये कि अब ये जो मेरी जो तीसरी रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट है, अब वो पहले वो करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर जब मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करने जाता हूँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? कोई भी ऐसा मसला नहीं है? क्लियर है ना सारी बातें यार यहाँ तक? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब सर बात यह है कि जब मैं दूसरे स्टेप की तरफ आता हूं तो दूसरे स्टेप में मुझे क्या फाइल करना होता है? सर आपने फाइल करना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। सर ये एमओए के अंदर क्या क्या चीजें होती है? सर एमओए एक फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट होता है कंपनी लॉ का स्पेसिफिक, जिसके अंदर आपने चीजें सबमिट करनी होती हैं, चीजें फिल करनी होती हैं। सर इसके अंदर कितने पैराग्राफ्स आते हैं? सर उन पैराग्राफ्स को क्या कहा जाता है? सर उनको कहा जाता है क्लॉजेस। उनको क्या कहा जाता है? सर क्लॉजेस, ठीक है ना। सर उनको कहा जाता है क्लॉजेस। सर कितने क्लॉजेस होते हैं? सर सात क्लॉजेस होते हैं। सर सात क्लॉजेस होते हैं टोटल। सर कौन कौन से होते हैं? सर सबसे पहले होता है नेम, सर उसके बाद कौन सा होता है? सर उसके बाद होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सर उसके बाद कौन सा होता है? सर उसके बाद होता है सर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्ट क्लास बोलो या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बोलो, एक ही बात है। सर उसके बाद कौन सा होता है? सर उसके बाद होता है अंडरटेकिंग क्लॉज। सर उसके बाद कौन सा होता है? सर उसके बाद होता है सर लायबिलिटी क्लॉज।
सर उसके बाद कौन सा होता है? सर उसके बाद होता है अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज। अथोराइज शेयर कैपिटल सर उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद होता है सर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। आखिरी आखिरी सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सर अब बात ये सर अब बात ये है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये चीजें आ रही होती हैं। नेम क्लॉज आ रहा होता है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, अंडरटेकिंग क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सर अब इस डॉक्यूमेंट को फिल करते वक्त मुझे क्या करना होता है? सर आपने ये करना होता है, इस डॉक्यूमेंट को फिल करते वक्त आपने सर ये करना होता है कि इसके सामने कंपनी का नाम लिखना होता है। जैसे कि अगर कंपनी का नाम है तो सर मैं क्या लिखूंगा? सर जैसे अगर कंपनी का नाम है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सर आप यहाँ पे लिखोगे हमारी कंपनी का नाम है लेट सपोज सर एबीसी लिमिटेड। सर हमारी कंपनी के रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे, मतलब जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी सब लोगों के साथ, सिक्योरिटी एक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास या सबके साथ, अक्सर नॉर्मली ये हेड ऑफिस होती है। सर यहाँ पे क्या आएगा? सर यहाँ पे नाम आएगा रजिस्टर ऑफिस में, जो सर एक तो यहाँ पे एड्रेस आप लिख दो कि आपकी कम्युनिकेशन कहाँ पे होगी। लेट सपोज अगर मेरी यहाँ पे कराची के अंदर ऑफिस है, या कराची के अंदर सर आपके ऑफिस कहाँ पे है, सर यहाँ पे एड्रेस आ जाएगी भाई जान, ये हाउस नंबर या बंगलो नंबर या ऑफिस नंबर, ठीक है ना। और सर यहाँ पे एड्रेस आ गई, उसके साथ आखिर में जो काम की चीज है यहाँ पे कराची सिंध। सर ये जो चीज है ना, ये वाली चीज सर ये क्या है? प्रोविंस, प्रोविंस। इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर ये जो वाली जो चीज है ना, ये वाली प्रोविंस, नेम ऑफ प्रोविंस, ये बड़ी काम की चीज है सर। यहां तक याद रखना, क्यों काम की चीज है वो बाद में बताऊंगा। रजिस्टर ऑफिस क्लास के अंदर आपकी वो एड्रेस आ रही होती है उस ऑफिस की जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही होगी, एसीसीपी के साथ भी और बाकी कम्युनिकेशन, मतलब सर कोई भी नोटिस भेजना है, कोई भी आपको टीसीएस करना है, कोरियर वगैरह करना है, तो इस ऑफिस के साथ हो रहा होगा, या सिक्योरिटी एक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी आपसे बात करेगा तो वो इस ऑफिस के साथ कर रहा होगा, ठीक है ना। तो सर अब बात ये है कि यहाँ पे जो प्रोविंस का नेम है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बाकी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, प्रोविंस का नेम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये क्यों होता है ये बाद में बताऊंगा। सर अगर मैं एक स्टेप और आगे चढ़ूँ, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मतलब सर ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसको प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बोलो या ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलो तो एक ही बात है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर ये था ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर ये था ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनीज एक 2017 के अंदर ये बन गया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, कंपनीज 2017 के अंदर ये बन गया सर ये बन गया सर ऑब्जेक्ट क्लॉज। सिटी नेम भी, सिटी नेम तो तुम लिखोगे ना, तुम तो घर की एड्रेस भी लिखोगे रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के अंदर, सिटी नेम भी लिखोगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के अंदर वो प्रोविंस का नेम है। ये क्यों है बाद में बताऊंगा। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में ये जो तीसरा स्टेप है इसको ऑब्जेक्ट क्लॉज बोला जाता था कि भाई कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। इसका बाद में नाम चेंज हो गया कंपनी 2017 में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। लेकिन सर अब बात यह है कि जब ये कंपनी 2017 आया तो अब इसके अंदर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आ रहा है, लेकिन जो कंपनीज कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में बनी थी उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज आ रहा है, तो क्या आप उनको कंप्लाई करने के लिए दोबारा दोबारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं बनाना पड़ेगा। सर आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बता दें, दोबारा बता देते हैं। एक कंपनी है जैसे कि सी लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड हुई थी कब? ये रजिस्टर्ड जब हुई थी तब चल रहा था लेट सपोज
कंपनीज ऑर्डिनेंस लेकिन सर तब तब चल रहा था कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, तो इसने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया होगा उसके अंदर प्रिंसिपल, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज आ रहा होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज आ रहा होगा। लेकिन ये कंपनी अब रजिस्टर ही है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने लॉ नया चेंज कर लिया, कंपनी लॉ का नेम लॉ चेंज कर लिया, अब उसको कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अलावा उन्होंने कंपनीज एक्ट अपडेट कर दिया लॉ को, कंपनी 2017 लेके आ गए। अब इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्लॉज था इसका नाम इन्होंने चेंज करके रख दिया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। सर अब बात ये कि ये जो कंपनी होगी अब ये एग्जिस्ट तो करती होगी, जब ये कंपनी 2017 आ गया तब ये एग्जिस्ट तो करती होगी क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है और कंपनी लॉ की डेफिनेशन भी यही है कि यार वो कंपनी जो कि कंपनी एक्ट में बनी हो, वो कंपनी जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस में बनी हो, कंपनी एक 1930 में बनी हो सर, और कंपनी 2016 में बनी हो, या ऐसा कोई कंपनी लॉ जो कि पहले था उसके अंदर बनी हो रजिस्टर हुई हो, तो वो हमारे हिसाब से कंपनी है, ये इसकी डेफिनेशन है। बात ये है सर अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये वाला क्लॉज इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिर्फ नाम चेंज हुआ। तो क्या जो कंपनीज 1984 कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में रजिस्टर हुई उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पुराना वाला खत्म करके नए वाले में आना होगा, मतलब अपने पुराने वाले में ऑब्जेक्ट क्लॉज को हटा के तो क्या सर अब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लाना पड़ेगा? नहीं सर, उनका जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको कोई जरूरत चेंज नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करें, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करें, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ ही जा सकते हैं, मतलब दोनों का सेम है, सिर्फ नाम चेंज है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बोलो या ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलो, नाम से चेंज है बाकी मतलब सेम है। अब सर बात ये कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज होता क्या है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो होता है वो सर ये होता है कि यार मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मैं कौन सा कारोबार करूंगा, मैं क्या टेक्सटाइल का कारोबार करूंगा, मैं क्या सीमेंट बनाऊंगा, मैं क्या सर जो भी मैं कारोबार करूंगा, जो भी मेरा बिजनेस होगा वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर लिखा जाएगा, जो भी मैं कारोबार करूंगा, जो भी मैं एक्टिविटी करूंगा, जो मेरा मेन पर्पस होगा कारोबार खोलने का वो सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब एक बात सुनो, अगर मैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पे लिखता हूँ कि यार मैं काम करूंगा टेक्सटाइल का, अगर मैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के में लिखता हूँ कि मैं टेक्सटाइल का कारोबार करूंगा और मैं नाम में भी अपना कारोबार शो करना चाहता हूँ, तो मुझे नाम में भी वही चीज शो करनी पड़ेगी जो कि मेरे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में है, नाम में भी वही शो करनी पड़ेगी जो कि मेरे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में लिखी हुई है, जो मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मेमोरेंडम में लिखी हुई है, ठीक है ना सर। अगर आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है टेक्सटाइल और आपने लिख दिया नाम में लिख दिया लकी सीमेंट, तो क्या सर ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ये तो धोखा हो गया, नाम में आपने कुछ लिखा है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में कुछ लिखा है, तो हमेशा याद रखना अगर नाम के अंदर आप अपना कारोबार शो करना चाहते हैं तो वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से मैच होना चाहिए। सर क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ नाम लिख दूं अपना कारोबार शो ना करूं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। हमेशा याद रखना नाम के अंदर कारोबार शो कर रहे हो तो वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के साथ मैच होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा वो, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई सर। अब उसके बाद अंडरटेकिंग क्लॉज क्या होता है? अंडरटेकिंग क्लॉज ये होता है कि जब आप
सर जब आप अंडरटेकिंग क्लॉज, ये होता है जब आप कंपनी बना रहे होते हैं तो अगर आप पे एसीसीपी ने कोई कंडीशन लगाई, जैसे कि मैं कारोबार बनाने जा रहा हूँ, मैं लाइसेंस बनाऊंगा, मैं आर्म्स बनाऊंगा, मैं वेपन्स बनाऊंगा, मैं बम्स बनाऊंगा, तो सर उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके अंदर सर आपने क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपने नाम लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जब आप लाइसेंस लेते हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन लगाता है एसीसीपी के, तुम बलूचिस्तान के अंदर लेट सपोज तुम अपने वेपन्स नहीं सेल करोगे, तुम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वेपन सेल नहीं करोगे, तुम सिर्फ हमें गवर्नमेंट को वेपन सेल करोगे, तो या तुम वेपन्स के अंदर ये वाला मवाद नहीं डालोगे, या लेट सपोज मैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी तो पांचवी कंडीशन थी ना, याद होगा, चौथी कंडीशन या पांचवी कंडीशन थी जिसके अंदर आपको कहा गया था कि भाई एसीसीपी आपको तब रजिस्टर करेगा जब वो कंडीशन लगाएगा और आपने वो पूरी करनी होगी। तो सर एसीसीपी जो भी कंडीशन लगाएगा या जो भी शर्त शर्त आपको कहेगा कि भाई आपने ये चीजें पूरी करनी है लाइफ टाइम में, वो सर कहाँ पे आएंगी? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं तब आप, अगर आप पे कोई शर्त लगाई जाती है एसीसीपी की तरफ से, तो वो अंडरटेकिंग क्लॉज में आ रही होती है। वो कहाँ पे आएगी? अंडरटेकिंग क्लॉज के अंदर। सर लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर क्या आता है? लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर आता है कि क्या लाइबिलिटी मेंबर्स की वो लिमिटेड बाय शेयर से, क्या लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड बाय गारंटीड है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, या लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। लेट सपोज अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो बात खत्म हो गई। लेट सपोज सर अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या होगा? तो सर लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर जिस मेंबर की जितनी लाइबिलिटी उसने गारंटी की है, जितनी अमाउंट उसने गारंटी की है, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। लेट सपोज ए ने गारंटी की है कि वो देगा 10,000 रुपए, बी ने कहा है कि यार अगर कंपनी बंद हो गई और उसके एसेट सेल किए गए और अगर फिर भी डेट्स बच गए तो फिर मैं दूंगा आपको 25,000 रुपए। ये कहाँ पे लिखा जाएगा? ये सर लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर ये सारी बातें लिखी जाएंगी। ये सर लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर ये बातें, लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर ये बातें लिखी जाएंगी। पर अगर लिमिटेड बाय शेयर होगा तो सर ये बातें नहीं लिखी जाएंगी। लिमिटेड बाय शेयर होगा तो ये जस्ट लिखा जाएगा लिमिटेड बाय शेयर, पर अगर लिमिटेड बाय गारंटी होगा तो सर गारंटीड अमाउंट भी लिखी जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? अब सर अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज क्या होता है? अगर कंपनी, देखो तीन तरीके की कंपनी होती है मेरे पास, तीन तरीके की कंपनी। कौन कौन सी सर तीन तरीके की कंपनी? सर मेरे पास एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, सर एक कंपनी होती है मेरे पास लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसके पास नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जो शेयर कभी इशू नहीं करेगी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल मतलब वो शेयर इशू करेगी। अब यहां पे ध्यान से सुनते जाएं सर, लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी जो होगी वो शेयर इशू करेगी, वो शेयर इशू करेगी। ये वाली कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी, ये वाली कंपनी भी शेयर इशू करेगी। तो जो कंपनी शेयर इशू करेंगी, जो कंपनी शेयर इशू करेंगी उनके उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो कंपनी शेयर इशू करेंगी उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज आएगा। जो कंपनी शेयर इशू करेंगी उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में
अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज आएगा, जो कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी उसके उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज नहीं आएगा। ठीक है सर, अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज क्या होता है? सर अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज वो होता है कि भाईजान देखो आप कितने कितने क्वांटिटी को और कितने अमाउंट के शेयर इशू कर सकते हो। लेट सपोज शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू होती है नॉर्मली, शेयर की जो वैल्यू होती है नॉर्मली जो कंपनी इशू कर रही होती है, नॉमिनल वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बोलो या फेस वैल्यू बोलो, ठीक है मार्केट वैल्यू वो होती है कि मार्केट में कितने में भेज सर वो सेल हो रहा है। सर लेट सपोज वो होती है ₹10, तो कंपनी इस तरीके से लिखेगी कि भाई मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी इशू करूंगी, इशू करूंगी, इशू कर सकती हूं, इशू कर नहीं दिए, इशू कर सकती हूं, अभी तो बन रही है ना कंपनी, लाइफ में मैं कितने इशू कर सकती हूं। लेट सपोज कंपनी ने बोले मैं यार कोई दो लाख की क्वांटिटी इशू करूंगी, एक शेयर मेरा ₹10 का होगा, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? टोटल अमाउंट बनेगा अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख कर लूं तो सर ये 2 मिलियन। आपने ये लिखना होता है अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज के अंदर, सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर अ कंपनी कैन इशू। सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन इशू, के यार तुम 2 लाख तक शेयर इशू कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। सर ये लिमिट है, लिमिट। अब आप 1 लाख करें, आप 50,000 करें, क्यूमुलेटिवली आप 2 लाख से ज्यादा इशू नहीं कर सकते, 2 लाख से ज्यादा इशू नहीं कर सकते। लेकिन सर अगर मैंने 1,90,000 शेयर इशू कर लिए हैं या 195,000 शेयर इशू कर लिए हैं, अब मैं मजीद 50,000 इशू करना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं? नहीं बेटा, तुम्हारी लिमिट नहीं है, तुम्हारी लिमिट 2 लाख है, तुम नहीं कर सकते 2 लाख की लिमिट को क्रॉस। लेकिन सर अब तो ऐसे तो मेरी फंडिंग तो बंद हो गई, अगर मैं फिर कैसे होगा? फिर बेटा कैसे होगा ये बात की बात है, फिर ये बात की बात है कैसे होगा, किस तरीके से होगा। फिलहाल ये समझो अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी अपनी लाइफ में मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है। तो सर ये होता है अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज। अब सर आखिरी क्लॉज रह गया, वो कौन सा है सर? हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सर सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर जो भी कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, जिसने नेम सेलेक्ट किया, जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाया, सर ये कौन होते हैं? सर ये होते हैं मेंबर्स, ये होते हैं मेंबर्स। जो भी कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं सर, जो भी कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, जो भी ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवा रहा है सर, ये होते हैं मेंबर्स। ये क्या करेंगे? लेट सपोज ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, लेट सपोज इसके आखिर में सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे हर कोई अपना नेम लिखेगा, अपना NIC नंबर लिखेगा सर, अपनी एड्रेस लिख देगा और साइन कर देगा। हर कोई, हर मेंबर जो कंपनी का मेंबर है, ठीक है ना सर, मेंबर बनने के लिए क्या किया होगा उसने? सर अगर लायबिलिटी क्लॉज होगी, अगर उसमें जाए लायबिलिटी क्लॉज में, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी तो एटलीस्ट मेंबर बनने के लिए 1 शेयर लिया होगा। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो सर गारंटी दी होगी, गारंटी अमाउंट दिया होगा कि भाई अगर उसने 5 रुपए भी कहे ना मैं डोनेट करूंगा, मैं मतलब कंपनी के वाउंड अप होने पे मैं दे दूंगा, तो सर वो मेंबर बन गया। अब हर बंदे को सब्सक्रिप्शन, हर मेंबर को, हर सिर्फ और सिर्फ मेंबर एट द टाइम ऑफ जब वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहा है, तो सर अब वो ना अपना नाम लिखेगा, अपना NIC नंबर लिखेगा, और सर
अपने घर की एड्रेस लिखे और जो जो चीजें डिमांड की गई हैं, जो जो पर्टिकुलर्स कंपनीज एक ने कहे हैं, वो सारे लिख के साइन कर देगा। जितने भी मेंबर्स होंगे, लेट्स सपोज चार मेंबर हैं, ए बी सी डी, चारों ने यही काम करना है। लेकिन सर जब ये काम करेंगे तो इनके ऊपर, जब ये काम कर रहे होंगे तो इनको देख कौन रहा होगा? सर एक विटनेस होगा, सर एक शाहिद होगा। वो क्या करेगा? वो इन चीजों को नोट कर रहा होगा सर, वो इन चीजों को देख रहा होगा, और वो क्या करेगा सर, वो इन चीजों को देख के सर वो भी खुद से ही साइन करेगा। एक विटनेस होगा, वो चेक करेगा क्या इन्होंने नेम सही लिखा है नहीं, क्या इन्होंने एनआईसी नंबर सही डाला है नहीं, ठीक है ना। तो वो चीजें देख के वो भी क्या करेगा, विटनेस जो होगा, जो विटनेस होगा उसने ये सारी चीजें नोट की है, तो वो भी आखिर में यहाँ पे अपना एनआईसी, अपना नेम, एनआईसी और पर्टिकुलर्स डाल देगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज वो होता है जिसके अंदर सारे मेंबर्स साइन करते हैं। सर इस साइन करने का मकसद क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? भाई देखो, ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर मैंने साइन की तो इसका मतलब इसकी जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही इंफॉर्मेशन दी गई है, और हमने इसकी सारी कंडीशन और टर्म्स एंड कंडीशन, हमने सारी इसकी बातें मान ली। सर बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? तो सर अगर बात समझ में आ गई तो बिल्कुल बिल्कुल हर मेंबर को करना पड़ेगा, हर मेंबर को, मेंबर जिसने भी शेयर लिया है वो सब यहाँ पे साइन करेंगे। लेकिन कब कब? जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन रहा है, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी तो जिंदगी में पता नहीं कितने शेयर इशू करेगी। कंपनी ने तो अगर 2 लाख शेयर इशू किए और अगर 2 लाख मेंबर है तो क्या 2 लाख ही साइन करेंगे क्या? नहीं। याद रखो, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर जब कंपनी बन रही है, जब कंपनी बन रही है सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर, तो वही मेंबर साइन करते हैं जो कि इनिशियल मेंबर होते हैं। इनिशियल मेंबर कोई होते हैं सर, 3 से 4, 5, 6, ठीक है ना, 10, वो मेंबर होते हैं। 10 भी मैं बड़ा अमाउंट, बड़ा मतलब आपको नंबर बता रहा हूँ। इनिशियल जब मेमोरेंडम एसोसिएशन बन रहा है तब सर, तब की बात कर रहा हूँ मैं। कोई 3 मेंबर होंगे, कोई 4 मेंबर होंगे, वो साइन कर रहे होते हैं। बाकी उसके बाद जो भी शेयर लेता है, जो भी कंपनी इशू करती है, तो वो साइन नहीं करता। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन रहा होता है तब कितने मौजूद थे और कितने मेंबर थे वो सब साइन करेंगे। बाकी कंपनी ने जिंदगी में कितने भी शेयर इशू किए हैं तो ये जरूरी नहीं वो हर कोई आके सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे साइन करेगा, ये जरूरी नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो सर हाँ हाँ बेटा, सारे रिपीट करता हूँ अब, ये ना सारे आप खुद से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये 7 क्लॉजेस पढ़ें। उसके बाद नेम क्लॉज के अंदर क्या होता है, अगर कंपनी लिमिटेड होगी तो वर्ड लिमिटेड लगाएगी नाम के साथ, प्राइवेट होगी तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, सिंगल मेंबर होगी तो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड होगी तो गारंटी, अनलिमिटेड होगी तो अनलिमिटेड लगाएगी अपने नाम के पीछे। रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, अंडरटेकिंग क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज सर, और एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये सारी चीजें पढ़ें। आपके पास कोई 10 मिनट है, उसके बाद हम रेज्यूम करते हैं। अब सर ये जो नॉन कंप्लायंस विद रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट कंपनीज है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये मैंने इसी वजह से डाल दी है, इंक्लूड कर लिए कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि यार अगर हमने प्राइवेट कंपनी की जो रिस्ट्रिक्शन थी, 3 रिस्ट्रिक्शन याद होगा आपको, कि इट रिस्ट्रिक्स द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स, इट रिस्ट्रिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 50, इट रिस्ट्रिक्स द प्राइवेट कंपनी टू ऑफर इट सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक, ठीक है ना, फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट शेयर्स। तो सर अगर वो 3 बातें नहीं मानती है, उसके मेंबर 51 हो जाते हैं या उसके मेंबर ट्रांसफर कर लेते हैं शेयर, तो फिर क्या होगा प्राइवेट कंपनी में? तो उस पे ये, अगर उसने रिस्ट्रिक्शन की नॉन कंप्लायंस की, तो उसके सर उसके उसके ऊपर ये 5 बातें हो रही होती हैं, ठीक है ना। अब सर बात ये है, अगर मैं थोड़ा सा आगे एक स्टेप चलूं, तो
अब बात ये कि ये जो 5 क्लॉज आ रहे हैं, ये जो 7 क्लॉजेस आ रहे हैं, कौन कौन से क्लॉजेस सर? 7 क्लॉजेस, सर एक क्लॉज आ रहा है नेम क्लॉज, नेम हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 7 क्लॉजेस सर, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सर, उसके बाद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बाद हो गया आपका अंडरटेकिंग क्लॉज, उसके बाद लायबिलिटी क्लॉज, उसके बाद अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज, उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब ध्यान से तरीके से देख लेना सर। सर ये मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना लिया, मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बना लिया, मैंने ये जब ये दोनों बना लिए तो मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बना लिया, मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बना लिया, मुझे ये जब मैंने दोनों जमा करवा लिए तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया मुझे। अब सुनो सर, जब ये सब कुछ चीजें हो गई, अब मुझे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या 6 महीने या 3 महीने के बाद, या सर 10 साल के बाद, कभी भी सर, अगर मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है, अल्ट्रेशन करनी है, चेंज मतलब अल्ट्रेशन, तो वो कब कब हो सकती है? लेट सपोज अगर मैं अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, लेट सपोज मैं अगर अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। जब भी मैं नाम चेंज करूंगा तो मुझे नेम क्लॉज अल्टर करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नेम क्लॉज अल्टर करना पड़ेगा। मतलब जो नेम यहाँ पे लिखा होगा, अब उसकी नेम की जगह जो नया नेम रखूंगा वो मुझे लिखना पड़ेगा। सर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है बेटा, वो सब पढ़ेंगे। सर अगर मैं अपनी कंपनी का नाम चेंज कर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना लिया, मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना लिया, मैंने ये दोनों जमा करवा के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिए, अब कभी भी आगे चल के जिंदगी में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 10 साल, 20 साल के बाद अगर मुझे कंपनी का नाम चेंज करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी सर बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना नेम क्लॉज अल्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना? नेम क्लॉज मतलब जो पुराना नेम है उसको रिमूव करके नया नेम लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ऐसे कट करके नया नाम लिख दो, ऐसे नहीं होगा। नया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ नेम क्लॉज चेंज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेम क्लॉज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम में भी एमओए चेंज, हाँ, लेकिन रेक्टिफिकेशन जो होती है ना उसके अंदर नेम चेंज नहीं हो रहा होता, उसके अंदर नेम चेंज, वो गलती, वो फॉल्टी नेम से, गलत नेम से रजिस्टर हो गई। यहाँ पे देखो ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के अंदर मतलब शुरू से ही आप गलत नाम से रजिस्टर हुए थे, यहाँ पे अल्ट्रेशन का मकसद है आप सही नाम से रजिस्टर हुए थे, आप अपनी नाम, आप अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से नाम को चेंज करवाना चाह रहे हो, आपका नाम सही है लेकिन आप ना उसको अपनी मर्जी से उस नेम को चेंज करवाना चाह रहे हो। रेक्टिफिकेशन का मकसद है कि आप कंपनी लॉ के हिसाब से गलत नाम से, गलती से रजिस्टर हो गए हो, आपने सही नाम नहीं रखा था, ठीक है ना? तो वो कंपनी लॉ के हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से आपको सही नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी नया लेना पड़ता है। लेकिन अल्ट्रेशन का मकसद ये है कि आप सही नाम से रजिस्टर हुए हो, आप चाहो तो इस नाम को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं,
तो उसमें नेम क्लॉज को अल्टर किया जाता है। सर अगर मैं अपनी अब यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस क्लॉज पे आना, सर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के अंदर, अब देखो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के अंदर लेट सपोज मेरी रजिस्टर ऑफिस थी, हेड ऑफिस थी कराची के अंदर। अब यहाँ मेरा तुम लोगों को समझ में आएगा मैंने प्रोविंस को ऊपर सिंध को क्यों मैंने सर्किल किया था। अगर मैं अपनी कराची से रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूँ हैदराबाद सखर, ठीक है ना, तो सर क्या ये पीछे वाला जो वर्ड है, सर ये जो पीछे वाला ये वाला वर्ड है, ये इसमें क्या चेंज होगा? नहीं। क्या इसमें चेंज होगा? नहीं। क्या इसमें चेंज होगा? नहीं। सर आप जहां भी अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करें, शिफ्ट करें, ये जो पीछे वाला जो वर्ड प्रोविंस है वो नेम चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। कैसे सर? कैसे? लेट सपोज पहले मेरी कराची में ऑफिस थी, अब मैंने हैदराबाद ट्रांसफर कर ली, तो सर एड्रेस आएगी पीछे हैदराबाद आएगा और सिंध आ जाएगा, पीछे एड्रेस आएगी सखर आएगा और सर सिंध आ जाएगा। अब बात ये, क्या ये अल्ट्रेशन कहलाई जाएगी? नहीं सर, ये अल्ट्रेशन नहीं कहलाई जाएगी। क्यों? क्यों सर? वजह बताता हूं सर। कंपनी लॉ कहता है अगर आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस शिफ्ट होते हो, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस शिफ्ट होते हो, जैसे कि आप सिंध से शिफ्ट होते हो सर पंजाब, तो सर आप तब माना जाएगा कि आपने, देखो तब माना जाएगा कि रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को आपने अल्टर किया सर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एड्रेस चेंज किया तब भी तो मुझे रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में सर चेंज करना पड़ेगा ना, जैसे कराची के अंदर हाउस नंबर आ रहा होगा, घर की एड्रेस आ रही होगी, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो अल्ट्रेशन नहीं मानी जाएगी सर। अल्ट्रेशन के लिए आपको प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अगर आप कराची से विद इन प्रोविंस सिंध के अंदर ही, एक प्रोविंस के अंदर ही मूवमेंट कर रहे हो, तो जस्ट रजिस्टर्ड क्लॉज के अंदर एड्रेस डाल दो और बात खत्म करो, और ACCP को या रजिस्ट्रार को बता दो कि भाई मैंने ना अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया है, कराची से हैदराबाद आ गया हूँ या कराची से सखर आ गया हूँ या कराची के अंदर ही मूव हो गया हूँ मैं, ठीक है ना, एक घर छोड़ के दूसरे घर पे आ गया हूँ, पहले वाले पे रेंट ज्यादा था, दूसरे वाले पे रेंट कम है, तो बस ऐसे बता के जान छुड़ाओ। लेकिन अगर मैं एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जा रहा हूँ, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जा रहा हूँ या दूसरे प्रोविंस से एक प्रोविंस आ रहा हूँ, प्रोविंस से प्रोविंस चेंज कर रहा हूँ, तब मुझे ACCP की अप्रूवल चाहिए होती है, तब मुझे, तो इसको क्या कहलाया जाएगा? इसको कहलाया जाएगा अल्ट्रेशन। जब भी अल्ट्रेशन होगी तब किसकी अप्रूवल चाहिए होगी? ACCP की, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। नेम चेंज करूंगा तब भी मुझे अल्ट्रेशन चाहिए होगी, अप्रूवल चाहिए होगी ACCP की, और अगर प्रोविंस टू प्रोविंस मूव कर रहा हूं तब भी मुझे अप्रूवल चाहिए होगी। लेट सपोज अगर मेरा सिंध में ऑफिस है, मैं पंजाब जा रहा हूं, कराची से मैं ऑफिस लेके गया लाहौर में, देखो अब यहाँ पे कराची में जब एड्रेस आ रहा होगा तो पीछे सिंध आ रहा होगा, यहाँ पे अगर लाहौर चला गया तो इसके पीछे कौन सा एड्रेस आ रहा होगा? सर इसके पीछे आ रहा होगा पंजाब। तो सर अब देखें, प्रोविंस चेंज हो गया, जब भी प्रोविंस चेंज हो जाएगा तब भी अल्ट्रेशन मानी जाएगी, और अल्ट्रेशन जब मानी जाएगी तब मुझे ACCP का अप्रूवल चाहिए होगा। पर अगर मैं विद इन प्रोविंस मूव कर रहा हूँ तब मुझे अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में अपना एड्रेस अपडेट कर दूंगा और सर ACCP को बता दूंगा, सही है। पर सर ये भी तो हो सकता है कि फिलहाल मैं किसी प्रोविंस में हूँ, मैं फिलहाल सिंध के अंदर हूँ, मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, अब इस्लामाबाद तो किसी प्रोविंस में नहीं आ रहा, तो क्या होगा सर? अगर मैं सिंध से जा रहा हूँ इस्लामाबाद तो क्या होगा? इस्लामाबाद तो किसी प्रोविंस के अंदर नहीं आ रहा, आपने तो कहा है प्रोविंस से प्रोविंस जाओ जब अल्ट्रेशन मानी जाएगी, तो क्या ये अल्ट्रेशन मानी जाएगी? बेटा बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपका प्रोविंस चेंज हो रहा है,
तो इसका मतलब ये हुआ, इस बात को अगर कंक्लूड करें, अगर आप अल्ट्रेशन मानी कब जाएगी, अगर आप प्रोविंस से प्रोविंस मूव हो रहे हो तो अल्ट्रेशन मानी जाएगी, अगर आप प्रोविंस से ऐसे किसी जगह पे मूव हो रहे हो जो कि नॉट पार्ट ऑफ प्रोविंस है, ऐसे किसी सिटी में मूव हो रहे हो जो कि किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं है, सर वो कौन सा है? सर जैसे कि इस्लामाबाद। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी ऑफिस ऑलरेडी इस्लामाबाद में थी, मेरी ऑफिस ऑलरेडी इस्लामाबाद में थी, अब मैं क्या सर क्या करने जा रहा हूं, अब मैं प्रोविंस में आ रहा हूं, तो क्या वो अल्ट्रेशन मानी जाएगी? बिल्कुल सर, अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे सिटी में हो जो कि नॉट पार्ट ऑफ प्रोविंस है तो क्या वो अल्ट्रेशन मानी जाएगी? बिल्कुल सर, इन तीनों केसेस में अगर आप प्रोविंस टू प्रोविंस मूव हो रहे हैं, पंजाब से आप खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं, तो सर वो अल्ट्रेशन मानी जाएगी। अगर आप प्रोविंस से किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं है, जैसे कि इस्लामाबाद, ठीक है ना, तो सर वो भी अल्ट्रेशन मानी जाएगी। अगर आप किसी इस्लामाबाद से सर किसी प्रोविंस के अंदर आ रहे हैं, किसी ऐसे शहर से जो कि किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं है और प्रोविंस में ऑफिस लेके आ रहे हैं, जैसे मैं इस्लामाबाद से सिंध में आ रहा हूँ, कराची में आ रहा हूँ, हैदराबाद में आ रहा हूँ, सखर में आ रहा हूँ, तो सर ये भी अल्ट्रेशन मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं विद इन द प्रोविंस मूवमेंट कर रहा हूँ, विद इन द सिटी मूवमेंट कर रहा हूँ, विद इन द प्रोविंस मूवमेंट कर रहा हूँ, तो वो अल्ट्रेशन नहीं मानी जाएगी। अल्ट्रेशन के लिए सर, फिर अल्ट्रेशन क्या है? सर अल्ट्रेशन के लिए आपको ACCP का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अल्ट्रेशन के लिए आपको ACCP का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नेम क्लॉज अभी तक हमने चेंज किया है, उसके बाद हमने रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज किया है। सर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या, क्या सर ये अमेंड हो सकता है, क्या ये अल्टर हो सकता है? बिल्कुल सर, ये कब होगा अल्टर? बेटा जब तुम अपना कारोबार चेंज कर रहे हो, लेट सपोज तुम टेक्सटाइल से सीमेंट बनाना चाहते हो, तो देखो तुमने अपना कारोबार चेंज कर लिया, तुम अब सीमेंट बनाओगे, टेक्सटाइल नहीं बनाओगे, तो सर जब तुम अपना कारोबार, जब तुम अपना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहते हो, तब तुम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को अल्टर करोगे। या तुम कोई ऐसा कारोबार करना चाहते हो जिसके अंदर तुम, सर मैं टेक्सटाइल तो बना रहा हूँ कपड़ा, आप उसके साथ साथ में आर्म्स भी बनाना चाहता हूँ, या उसके साथ साथ में मंशियात फरोख करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा मुझे। सर कुछ भी ऐसा काम करना है तो सर उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ रहा है, तो सर अब मुझे यहाँ पे वो भी मेंशन करना पड़ेगा। या तो मैं कारोबार चेंज करूँ या कोई ऐसा कारोबार करूँ जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़े, तो वो यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। सर अगर कोई ACCP मुझ पे, ये क्लॉज जो होता है, ये भी क्लॉज मैं अपनी मर्जी से चेंज करता हूँ, ये भी क्लॉज मैं अपनी मर्जी से, ये कब होता है चेंज? सर ये कब होता है सर चेंज? सर ये कब तब चेंज होगा जब तुम पे ACCP कोई कंडीशन लगाएगी, तो वो इसके अंदर इंसर्ट की जाएगी। तो ये मतलब तुम्हारी मर्जी से चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है ना? अगर कंडीशन नहीं लगाती तो ये चेंज नहीं होगा, अगर कंडीशन लगाती है तो चेंज हो जाएगा। अल्ट्रेशन मतलब ACCP का अप्रूवल चाहिए होगा, बिना ACCP का अप्रूवल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं अल्टर हो सकता। लायबिलिटी क्लॉज कब अल्टर होगा सर? सर ये जब अल्टर होगा, जब सर तुम आपके पास, जब आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से कन्वर्ट हो जाए, लिमिटेड बाय गारंटी, जब आपकी, जैसे मेंबर्स की लायबिलिटी है ना, वो लिमिटेड है, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मेंबर्स की लायबिलिटी गारंटी लिमिटेड है, तो सर अगर गारंटी से कन्वर्ट होती है किसके अंदर? लिमिटेड बाय शेयर के अंदर, तो तब ये चेंज होगा। अगर लिमिटेड बाय शेयर से कन्वर्ट होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी में, तब चेंज होगा। अगर लिमिटेड बाय शेयर से कन्वर्ट होती है गारंटी लिमिटेड में, तो तब चेंज होगा। जब लायबिलिटी चेंज होगी तब ये चेंज हो रहा होगा, तब ये अल्टर हो रहा होगा, तो मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज, सर क्या ये अल्टर हो सकता है? बिल्कुल बेटा हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया था। लेट सपोज सर मेरी कंपनी के मैक्सिमम कितने शेयर लिखे हुए हैं? 200,000 लिखे हुए थे ना, 200,000 की क्वांटिटी थी। मैंने सर शुरू में कोई इशू किए लेट सपोज 100,000, उसके बाद मैंने इशू किए 50,000, उसके बाद मैंने इशू किए 20,000,
ये मुख्तलिफ डेट्स पे ना, मुख्तलिफ डेट्स पे मैंने ना ये इशू किए थे। उसके बाद मैंने कोई इशू किए सर 25,000, उसके बाद सर मैंने कोई इशू किए 5,000। तो ये मिला के 2,00,000 हो गए। तो अब ये मिला के हो गए 2,00,000। अब ना मैं मजीद तो इशू कर नहीं सकता क्योंकि ये लिमिट तो पूरी हो गई। ये मैंने इशू किए हुए हैं, ये मेरी क्या है, ये मेरी अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज। ये भाई तो मैक्सिमम इशू कर सकते हो, ये वो हैं जो कि मैंने इशू किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम मैंने क्या किए हैं सर, ये किसी सर मैंने ये फ्रॉम टाइम टू टाइम मैंने ये इशू करता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो एक बात सुनो, अगर मैं अब ये 2,00,000 इशू हो चुके हैं, ये 2,00,000 लिमिट हो गई है। अब अगर मुझे मजीद इशू करने हैं तो मजीद इशू के लिए क्या होगा, मजीद इशू के लिए ये होगा भाई मुझे इस लिमिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। इस लिमिट को 3,00,000 ले जाओ, 4,00,000 ले जाओ, 5,00,000 ले जाओ। तो अगर ये लिमिट इंक्रीज होगी तो यहाँ पे इशू हो सकते हैं, अगर ये लिमिट इंक्रीज नहीं होगी तो सर ये यहाँ पे तुम शेयर इशू नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। क्या बोला जाता है, इशूड। ये वो शेयर है जो कि इशू हो चुके हैं, इशूड। हमने इशू किए, लोगों ने सब्सक्राइब्ड किए, उसके बाद लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद लोगों ने पैसे पे किए, पेड अप कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये क्लॉज उसी के अंदर आ रहा होगा जिस कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे। जो कंपनी कभी शेयर इशू नहीं करेगी उसके लिए अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज नहीं आएगा। अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या आ रहा होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स, क्वांटिटी ऑफ शेयर कंपनी कैन इशू इन इट्स लाइफ टाइम। तो कंपनी ने लेट सपोज 1,00,000 इशू किए, 50,000, 20,000, 25,000, 5,000, मतलब ये इस लिमिट के बराबर हो गए टोटल में। तो सर अब क्या दोबारा इशू करना चाह रही है मजीद, तो क्या करेगी, सबसे पहले इसको अमेंड करेगी, इस लिमिट को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, उसके बाद ही सर कर सकती है। सर इस बात से अगर मैं देखूं इसको, अगर सर तो इस बात से क्या कंक्लूड हो रहा है, इस बात से ये कंक्लूड हो रहा है, एक और बात भी कंक्लूड हो रही है जिससे एमसीक्यूज बन सकता है मेरा, कि मेरा जो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है वो बराबर हो सकता है अथोराइज कैपिटल के, ठीक है भाई, बराबर हो सकता है ना, बिल्कुल सर हो सकता है, यहाँ पे बराबर हुआ है ना, देखो ना इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल 2,00,000 2,00,000, बिल्कुल सर। सर मेरा जो इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल है, सर वो कम हो सकता है, वो लेस देन हो सकता है, छोटा हो सकता है। एक तो बराबर हो सकता है किसके, अथोराइज शेयर कैपिटल के, वो सर लेस देन हो सकता है अथोराइज शेयर कैपिटल के, लेकिन वो कभी भी ठीक है ना, अथोराइज इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कभी भी सर मोर देन अथोराइज शेयर कैपिटल नहीं हो सकता, कभी भी मोर देन अथोराइज शेयर कैपिटल नहीं हो सकता। सर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। सर किसी एक मेंबर की लायबिलिटी चेंज होने पर भी, बेटा किसी एक मेंबर की लायबिलिटी चेंज होने पर आप चेंज नहीं करोगे लायबिलिटी क्लॉज तब चेंज होगा जब कंपनी की लायबिलिटी चेंज हो। देखो कंपनी की फिलहाल स्टेटस ऑफ लायबिलिटी क्या है, या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, या तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल होगी, या तो कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अगर तुम्हारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तुम उसको लिमिटेड बाय गारंटी लेके जाना चाह रहे हो तब तुम इसको चेंज करोगे, अगर तुम्हारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तुम उसको अनलिमिटेड कंपनी बनाना चाह रहे हो तो तब तुम चेंज करोगे, अगर तुम्हारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तुम उसको लिमिटेड बाय शेयर लेके जाना चाह रहे हो तो तब तुम चेंज करोगे। एक मेंबर की लायबिलिटी मतलब कि आपका, मैं समझ गया हूँ कि गारंटी लिमिटेड में अगर किसी मेंबर ने पहले कहा था मैं 5,000 दूंगा, अब वो 5,00,000 देना चाह रहा है,
या 10,000 देना चाह रहा है तो यहाँ पे वो इंक्लूड हो जाएगा। सर शुरू में इंक्लूड होता है, बाद में नहीं हो रहा होता। बाद में आप इंक्लूड कर दें लेकिन वो अल्टरेशन नहीं मानी जाएगी। जैसे रजिस्टर ऑफिस क्लॉज के अंदर आपने रजिस्टर एड्रेस चेंज कर लिया प्रोविंस टू प्रोविंस लेकिन अल्टरेशन नहीं मानी जाएगी। वैसे ही अगर कोई बाद में गारंटी दे रहा है तो वो इंक्लूड किया जाता है लेकिन अल्टरेशन नहीं मानी जाएगी। अल्टरेशन तब मानी जाएगी जब लिमिटेड बाय शेयर से चेंज हो जाए लिमिटेड बाय गारंटी में, लिमिटेड बाय शेयर से चेंज हो जाए अनलिमिटेड कंपनी में, या लिमिटेड बाय गारंटी से चेंज हो जाए लिमिटेड बाय शेयर्स में, इस तरीके से। दूसरी बात, ACCP को मैं खुद कह रहा होता हूं कि मुझे इतनी लिमिट इंक्रीज करके दो, तो मुझे इतनी लिमिट इंक्रीज करनी है। अगर ACCP मान जाता है तो इंक्रीज हो जाती है, नहीं मानता तो नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये इस बात को याद रखना, अश्योर्ड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल या तो बराबर होगा ऑथराइज कैपिटल के, या तो उससे छोटा होगा, पर कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यहां तक बातें क्लियर है? अवसर बच गया सब्सक्रिप्शन क्लॉज, अवसर बच गया सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सर ये 6 के 6 टोटल 7 क्लॉज ने, इन 7 में से 6 जो हैं वो अल्टर हो सकते हैं। कौन कौन से? ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है सर, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, और इसके ऊपर नेम वाला हो सकता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन क्लॉज का एक दफा साइन हो गया, जिसको कौन साइन करते हैं? मेंबर्स, तो ये जिंदगी भर ये अल्टर नहीं होगा, ये अल्टर नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज नेवर अल्टर इन लाइफ टाइम ऑफ इट्स कंपनी। सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी भी अल्टर नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, एक दफा साइन हो जाता है। ऐसा नहीं कि लेट सपोज 2016 में कंपनी बनी, 2016 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन हुआ, सब्सक्राइबर कौन कौन थे? इनिशियल मेंबर थे ABC, इन तीनों ने साइन किया, नाम लिखा, NIC लिखा, एड्रेस लिखा। 2017 में मजीद शेयर इशू हुए तो D मेंबर बना, E मेंबर बना, 2018 में F बना। तो क्या सर अब ये मेंबर बने हैं तो क्या ये भी साइन करेंगे? नहीं, ये तीनों साइन नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर वो बंदे साइन करते हैं जो कंपनी बनाते वक्त मौजूद थे। कंपनी बनाते वक्त मौजूद कौन थे? ये था, ये था, ये था। उसके बाद बार बार मेंबर चेंज होते रहेंगे, बार बार शेयर ट्रांसफर होता रहेगा, तो क्या सर हर कोई आएगा वो नाम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे चेंज साइन करता रहेगा? ऐसे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन खराब हो जाएगा, कितने मेंबर चेंज होते हैं। लेकिन सर इसने लेट सपोज ए ने यहाँ पे साइन किया था, ए ने यहाँ ने साइन किया था और ए ने अपना शेयर सेल कर दिया किसको? जेड को। अब ए तो मेंबर नहीं रहा तो क्या ए का नाम रिमूव नहीं हो जाना चाहिए? नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए ने यहाँ पे साइन किया था, ए इनिशियल मेंबर था। अब ए ने क्या किया? अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया जेड को, या ए ने अपनी गारंटी रिमूव कर दी। ए ने बोला अब मैं मेंबर नहीं हूँ इस कंपनी का, तो क्या अब इस, लेकिन ए ने 2016 में ये कंपनी बनाई थी, ए ने जब ये मेंबरशिप छोड़ी तब ये 2019 था, 18 था, 17 था, कोई भी था, तो क्या अब इस ए का नाम यहाँ से वाइटो से रिमूव कर दें या हम ये मेमोरेंडम एसोसिएशन नया बना लें? नहीं नहीं नहीं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के नेवर बी अल्टर इन लाइफ टाइम ऑफ इट्स कंपनी। सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी भी अल्टर नहीं होगा, कभी भी नहीं अल्टर होगा। ये वाली चीज रीड कर लें सर, अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से लेके ये यहां तक पेज के एंड तक पर्पस तक, अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से लेके द अल्टरेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट, यहां तक सर, यहां तक आप रीड कर लें, ये पूरा आप रीड कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें।